हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। देखिए, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कुछ इस तरह से सेटअप आपको दिखता है। जब भी आप देखेंगे बुक में आपको इस तरह की पिक्चर दिखती है, तो हम इसको समझेंगे कि ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास नाम जो आता है वो क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की आर्क और उससे करनी है वेल्डिंग। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि प्लाज्मा होता क्या है, क्योंकि अगर हमें प्लाज्मा ही नहीं पता तो हम आगे क्या बढ़े। तो हमारे पास कुछ डायग्राम जो बनता है हमारे पास प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का, वो इस तरह का होता है। अभी हम सबसे पहले जो समझें बातें वो क्या है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच प्लाज्मा इज यूज टू वेल्ड वर्कपीस। वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए प्लाज्मा का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास प्लाज्मा होता क्या है, देखिए हमें इसको समझना कि ये फॉर्म कैसे होता है, ये होता क्या है प्लाज्मा। अ प्लाज्मा इज क्रिएटेड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर टॉर्न फ्री फ्रॉम एन एटम। जब भी एक, देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्बिट के साथ ऐसे घूम रहे हैं। अगर कुछ ऐसा करें, उसको कोई एनर्जी दें ताकि वो वहां से निकल जाए, ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। जब हम ऐसा करते हैं किसी के साथ, तब हमारे पास क्या होता है, उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एनायंस और कैटायंस अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो गैसेस हैं, उस गैसेस को प्लाज्मा से कैसे अलग किया जाता है। गैस आम रूप में जब हमारे पास है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती, एक बात याद रखना, गैस वो है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती। जब हम उसको हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तब उस गैस में क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन। क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन। उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स उससे अलग हो जाते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस आयोनाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं जब, तब ये गैस किस में कन्वर्ट होती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे पास अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, और फोर्थ वन होता है हमारे पास प्लाज्मा, और यही प्लाज्मा हम यूज कर रहे हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से, ये जो अब देखिए बिजली, आकाश में जब बिजली चमकती है तो इस तरह से आपको दिखती है, ये एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा होता है हमारे पास। जब हाई वोल्टेज एक जगह से लो वोल्टेज तक जाती है, तो वो रास्ते में आने वाली गैस को आयोनाइज कर देती है, हमें ये प्लाज्मा दिखता है। अब हमारे पास देखिए, जब भी इस तरह से आएगा, करंट फ्लो होगा, इस तरह से देखना, तो हमारे पास प्लाज्मा इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये स्लो मोशन में आपको दिखाया गया कि प्लाज्मा किस तरह से आपको दिखता है। और हमारे पास देखिए, दो हमारे पास अगर एंड्स हैं, हमारे पास एक हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाला एंड है, मतलब इसमें वोल्टेज का डिफरेंस है, और उसमें हमने गैस डाल दी हो, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन होती है। ये कहाँ पे दिख रहा है, ये आपने देखा होगा घरों में ट्यूबलाइट, ये जो ट्यूबलाइट होती है ना हमारे घरों में, वो भी आयोनाइजेशन के थ्रू वो चलती है, तो उसके अंदर की गैस जो है वो आयोनाइज होती है, समझ रहे हैं। तो उस टाइम वो प्लाज्मा क्रिएट करती है। प्लाज्मा टीवी हम सुना होगा ना, प्लाज्मा टीवी, वो भी इसी प्रिंसिपल पे होते हैं। अभी इस वीडियो में ये अरविंद गुप्ता टॉयज जो बनाते हैं, इन्होंने काफ़ी अवार्ड मिले हैं इनको, तो उन्होंने ये समझाया हुआ है कि देखिए आयोनाइजेशन किस तरह से होती है और प्लाज्मा हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, जनरेट प्लाज्मा जनरेट करते हैं ये एक बॉल के अंदर, और इसके अंदर हमने क्या हुआ है, हमने डाल रखे इसके अंदर गैस, और यहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज के लिए कनेक्शन किया हुआ है। जब हम इसके साथ टच में लाते हैं ये, तो देखिए हाथ टच करते हैं तो लो वोल्टेज हो गया यहाँ पे, तो हाई वोल्टेज यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए आर्क जनरेट होती है और प्लाज्मा बनता है। तो हमारे पास इस तरह से आप प्लाज्मा को समझ सकते हैं, प्लाज्मा को समझिए, उसकी हेल्प से आप प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को समझ सकते हैं। तो प्लाज्मा इस तरह से होता है, देखिए ये आपको देखने को मिल सकता है, और उस प्लाज्मा की हेल्प से हम वेल्डिंग करवा लेते हैं। वेल्डिंग क्या, हम कटिंग भी करवाते हैं, उसकी हेल्प से मशीनिंग भी करते हैं, तो हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को इस तरह से समझ सकते हैं। समझे, हमने नेचर से समझा इन चीज़ों को और यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यूज़ कैसे किया, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो अंदर वाली रॉड है,
ये सेंटर में ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहां पे ये देख सकते हैं आप, ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड है और ये जो है हमारे पास ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये नोजल क्रिएट करेगा आगे जाके। ये पार्ट जो है हमारे पास ये क्या करता है, इसको एक फोकस करता है, यहां पे ये को फोकस करेगा और यहां पे अंदर जो गैस होगी ये गैस है, ये गैस यूज करते हैं हम, जिसको हमने आयोनाइज करना है। क्या करना है? आयोनाइज करना है। हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर होगा और ये डीसी सप्लाई होगी, नेगेटिव एंड जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ और पॉजिटिव एंड जो है वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी नेगेटिव इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ, जब इसको नीचे लाया जाता है और इसके आसपास जाता है तो ये क्या करेगा, ये एक आर्क जनरेट करेगा, ये एक आर्क जनरेट करेगा। जब यहाँ से गैस आएगी और यहाँ गैस आएगी तो ये आर्क जो है इसको क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी और प्लाज्मा क्रिएट करेगी और उस प्लाज्मा का यूज़ हम करते हैं वेल्डिंग के लिए, उस प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। आप इस चीज़ को समझो, प्लाज्मा हमने नेचर से समझ के इसको यहाँ पे यूज़ किया है। अब बाहर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किस लिए, ये भी हमारे पास क्या है, इनर्ट गैसेस यूज करते हैं इसमें। अब इनर्ट गैसेस कौन सी, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये गैसेस हमारे पास यहाँ पे यूज होती हैं। ये क्यों होती हैं, ताकि हम शील्ड बना सकें। शील्ड किस लिए बनानी है, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीडेशन ना कर सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो हमने ये यहाँ पे भी गैस और यहाँ पे ये वाली गैस होगी आयोनाइजेशन के थ्रू प्लाज्मा में कन्वर्ट, और लेकिन ये नहीं होगी, ये आउटर सिर्फ एक लेयर बना के रखेगी ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। अब हमारे पास ये जो ये यहाँ पे है, इसको हम नोजल इस तरह से बनाते हैं ताकि वो हाई स्पीड क्रिएट कराए और इसकी स्पीड जो है वो सोनिक स्पीड, मतलब स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर आ जाए। तो हम इसको नोजल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नोजल ऑरिफिस यहाँ पे है और ये शील्डिंग गैस है और ये प्लाज्मा का स्ट्रीम है, प्लाज्मा यहाँ पे आ रही है। ओके, समझ रहे हैं। और हमारे पास ये जो बना हुआ है ये वाला, ये कॉपर का बना होता है, ये क्या है, वाटर कूल्ड है और ये कॉपर का बना हुआ है। इसी को समझिए, हमने फोकस कर दिया उस प्लाज्मा को, प्लाज्मा बनाया और उसको फोकस कर दिया, उसके कारण हीट जो बनी और उस हीट से हमने पिघला लिया, हमने मेटल को पिघलाया और वेल्डिंग कर दी। वेल्डिंग करना है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप अच्छी वेल्डिंग आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और अच्छी वेल्डिंग इसके साथ आप कर सकते हो। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा और इसके साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश में भी हम समझ लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि लिखना है, तो लिखने वालों के लिए भी कुछ देखिए। द प्लाज्मा इज देन फोर्स थ्रू अ फाइन बोर कॉपर नोजल विच कंस्ट्रिक्ट्स द आर्क एंड द प्लाज्मा एग्जिट द ऑरिफिस एट हाई वेलोसिटी अप्रोचेज द स्पीड ऑफ साउंड एंड द टेम्परेचर अप्रोचिंग 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर, 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है और इसका टेम्परेचर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज जो है उसको कंट्रोल करके, हम वोल्टेज को कंट्रोल करके इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारा वर्कपीस हम अपना इसके प्लाज्मा का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक दो वीडियोस हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक्चुअल में किस तरह से होती है। तो यहाँ पे ये नोजल का हम कह रहे थे ना, वो नोजल, ये देखिए ये नोजल होती है और उस नोजल से जब प्लाज्मा आता है तो कुछ इस तरह से, अब हमें दिख नहीं रहा क्या क्यों इतनी ज़्यादा लाइट इसके बनती है कि इसका प्रॉपर दिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग हो रही है वो कितनी एक्यूरेट होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो वेल्डिंग होती है वो यहाँ पे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के थ्रू हो सकती है। तो इसमें देखिए हमारे पास ये आर्क जो बन रही है वो किससे बन रही है, प्लाज्मा से। तो ये जो आर्क क्रिएट हो रही है वो भी प्लाज्मा से हो रही है। इसके अलावा देखिए कटिंग, देखिए कितनी अच्छे तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं प्लाज्मा की हेल्प से, और किस तरह की कटिंग, कुछ भी शेप आप तैयार कर सकते हो और वो किसकी हेल्प से, प्लाज्मा की हेल्प से। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया हुआ, ये होती है देखिए मशीन, और मशीन में ये जो है ये नोजल जो एक्चुअल में सारा काम कर रही है और इस नोजल के थ्रू हमने स्ट्राइक कराना होता है, वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, मशीनिंग करना है, हम अलग अलग प्रोसेसेस इसके थ्रू कर सकते हैं।
तो हमारे पास ये होती है मशीन। देखिए अलग अलग मशीन्स हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, लाखों में प्राइस हैं, तो कुछ 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख तक की मशीन्स भी आती हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास साइज, उसकी वैरायटी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इजी इसका डिटेल मिल जाएगा। तो ये थी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। देखिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये चीज़ समझ आती है या नहीं आती है, क्योंकि इससे मुझे ये पता लगता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो वीडियो आपके लिए कोई फ़ायदा भी दे रही है या नहीं। तो आप जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।